हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं, कौन सा सम चल रहा है देखो, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सब क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। वर्ड प्रॉब्लम है, इसको उसने बोला है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, बेसिकली इसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना अपने को। ठीक है, तो इसने बोला कि 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये, वेर इज 7 पेंसिल और 5 पेन। पहले क्या था, 5 पेंसिल 7 पेन का टोटल कॉस्ट पड़ता है 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 पेन का टोटल कॉस्ट पड़ता है 46 रुपीज। ठीक है, और अच्छा था ये, बहुत सस्ता था एक्चुअली, अभी तो बहुत महंगा हो गया। फंजी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। सो इसमें सबसे पहले जो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट हमें बिल्कुल नहीं पता, एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट हमें बिल्कुल नहीं पता, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पहले लिखते हैं वन पेंसिल बी एक्स रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई रुपीस। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक पेंसिल और कॉस्ट ऑफ एक पेन, ये दोनों को हमने अज्यूम कर लिया एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब कंडीशन देखते हैं, एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, समझ में आ रहा है आपको, 5 पेंसिल मतलब 5x। देखो, अगर आपको एक पेंसिल का आपको कॉस्ट पड़ता है सपोज 5 रुपये। ठीक है, सो 10 पेंसिल का कितना होगा, 50 रुपये। तो उसी तरह से अगर एक पेंसिल का कॉस्ट आपका एक्स रुपीज है तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x। उसमें आप ऐड करोगे 7 पेन का कॉस्ट, बराबर 7 पेन का कॉस्ट, टोटल पड़ रहा है 50 रुपये का। ये है नंबर 1। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से सेकंड कंडीशन देखते हैं हम लोग, एज पर सेकंड कंडीशन के हिसाब से उसने कहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन बराबर और 5 पेन का टोटल कॉस्ट पड़ेगा 46 रुपये। ये आपका नंबर 2, समझ में आ रहा है। सो फिर ये दोनों इक्वेशंस आ गए। अब इन दोनों इक्वेशंस का हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको ग्राफिकली सॉल्व किया जाएगा, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग। और देखो, ग्राफिकली सॉल्व करने के पहले हमें ऐसे टेबल्स बनाने हैं टू जनरेट कोऑर्डिनेट्स, सारे कोऑर्डिनेट हमने जनरेट किए हुए थे। अच्छा, इक्वेशन देखो, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर एक्स वाई तीन वैल्यूज लेनी है आपको। देखो, तीन वैल्यूज क्यों ली जाती है, तीन वैल्यूज इसीलिए ली जाती है क्योंकि अगर दो कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेते हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स मतलब दो पॉइंट तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो किसी तरह से लाइन तो बन ही सकता है, बट तीसरा बनाने का कोऑर्डिनेट, तीसरा निकालने का, जो कोऑर्डिनेट तीसरा निकाल रहे हैं हम लोग, इसका एडवांटेज क्या हो जाता है कि अगर सपोज ये जो लाइन, ये जो पॉइंट, पहले दो कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट अगर रॉन्ग होगा, ठीक है, तीसरा कोऑर्डिनेट अगर करेक्ट है और वो इधर है, इसका मतलब क्या, तीनों को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मेरा कोई एक पॉइंट गड़बड़ है, तो मैं रीचेक कर सकता हूँ। बट क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स अगर हम बनाते हैं ना, तो मुझे लाइन तो देने ही वाले, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि दोनों कोऑर्डिनेट्स राइट हैं या रॉन्ग है। ठीक है, लाइन तो वैसे ही मिलने वाला है, लेकिन इसलिए आपको तीन कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए जिससे हमें इनकरेक्ट या करेक्ट का पता चले। स्ट्रेट लाइन बनता है तो फिर वो करेक्ट। ठीक है, अच्छा, अभी x का वैल्यू मैंने 3 लिया हुआ है, एक तो 10 माइनस 4 और 3, आप कोई भी अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। x देखो यहाँ 10 तक पहुँचा, मुझे तो इससे बेटर कोई वैल्यूज मिली नहीं क्योंकि बाकी तो फ्रैक्शन ही सब दे देता। ठीक है, सो x का एक वैल्यू मुझे, x का जो है वो 10 समझ में आया, तो 10 हम अगर डालते हैं, देखो इधर 10 अगर डालते हैं, सो दिस इज 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, एक्स की जगह पे मैंने 10 डाला, प्लस 7y इक्वल टू 50 हो गया, 5 टेन से 50 प्लस 7y, वैसे का वैसे हमने लिखा। ठीक है,
सेवन वाई का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस 50, ये इधर जाएगा तो -50 हो जाएगा बराबर, तो जीरो, 50 माइनस 50 जीरो, जीरो हो गया, वाई का वैल्यू जीरो हो गया। एक्स इक्वल टू -4 अगर डालें तो क्या होता है, 5x + 7y = 50, इक्वेशन है हमारा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, -4 का वैल्यू डालोगे एक्स की जगह पे, बाकी वैसे का वैसे लिखा, 5 4 20 -20 + 7y = 50। अच्छा, -20 अगर वहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, देखो देखेंगे तो 70 बन जाता राइट साइड में, और y का वैल्यू अकॉर्डिंगली 70 अपॉन 7। आई होप आपको समझ में आता होगा कि 70 अपॉन 7 इज 10, ठीक है, y का वैल्यू 10। उसी तरह से अगर आप x इक्वल टू 3 डालोगे तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा y का वैल्यू 5 आया। ये मैथ्स है, बेसिक मैथ्स, तो ये आपको आना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 8 डालता हूँ तो देखो 7x + 5y = 46, ये हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 8 डालता हूँ तो जैसे 7 8 56, मुझे 56 मिलेगा प्लस 5y = 46। 5y लेफ्ट में रखा, राइट साइड में भेज दिया 56 को, दिस इज 46 - 56 विच इज इक्वल -10, y = -2, ठीक है। उसी तरह से मैं x इक्वल टू 3 डालूंगा तो मुझे अकॉर्डिंगली y का वैल्यू आएगा, x इक्वल टू -2 डालूंगा तो y का वैल्यू मुझे अकॉर्डिंगली 12 आ जाएगा। सो ये जो वैल्यूज हैं इनको यहाँ पे मैंने एज एन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया है, और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का प्लॉटिंग करके हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा जिससे सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ये मिल गया है सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, लेकिन मिलने के पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आपने तो देख लिया सॉल्यूशन मिला हुआ, लेकिन किस तरह से प्लॉटिंग की है वो देखते हैं। इक्वेशन है आपका 5x + 7y = 50, सो 5x + 7y = 50, ये इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, 7x + 5y = 46, बराबर दो इक्वेशन है हमारे पास। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 10 0 -4 10 और 3 5 3 5। उसी तरह से दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, 8 - 2 8 and -2, दूसरा 3 5 3 5, और तीसरा -2 12 -2 12। ये तीन कोऑर्डिनेट्स, दोनों के तीन तीन कोऑर्डिनेट्स ये हमने प्लॉट करने इधर, तो 4 10 0 कहाँ पे 10 है, ये रहा 10 और 0, ऊपर नीचे कहीं जाना नहीं, 0 मतलब यहाँ पे रहना पड़ेगा, जिस 10 0 एकदम एंड में देखो प्लॉट किए हमें। और मैंने क्या लिया, देखो स्केल 1 cm = 1 unit लिया हुआ है, देखो 1 cm = 1 unit लिया हुआ है सब जगह पे ऊपर नीचे, इसलिए मैंने स्केल लिख दिया इधर, ठीक है, आप भी लिखा करो स्केल। सो पहला पॉइंट आपका एकदम एंड में आ रहा है, ये रहा पॉइंट आपका, सो दिस इज 10 0। दूसरा पॉइंट है आपका -4 10, -4 कहाँ पे, एक्स पे अपने को जाना पड़ेगा ये साइड में, -4 यहाँ पे, और 10 नीचे ऊपर कहाँ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव वाई पे, तो ऊपर देखो ना 10 आपका वाई है ना, तो वो भी पॉजिटिव, तो ऊपर जाना पड़ेगा, देखो इसके सामने आपका ये जो है, इसके सामने आपका 10 है, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ लोकेट कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद 3 5 3 5, कहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और 5 ऊपर, ठीक है। देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ये एक पॉइंट, दो पॉइंट और ये तीन पॉइंट स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और इसीलिए हम वो लाइन बना देंगे, लिख देंगे इधर, यहाँ पे आपको लिखना है कि वो लाइन कौन सा है, ठीक है, ये लाइन आपका 5x + 7y = 50, और उसके बाद आपको दूसरा लाइन प्लॉट करना पड़ेगा 7x + 5y = 46। इसके लिए 8 - 2 प्लॉट करते हैं, 8 देखो इधर है और -2, 8 इधर आ गया, -2 नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लॉट किया हुआ है बराबर, -2 कहाँ पे देखो ना इधर ऐसा, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से 3 5 ऑलरेडी प्लॉटेड है, देखो इधर 3 5 और -2 12, -2 आपको इधर, -2 ये रहा और 12 पॉजिटिव ऊपर जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया, सो इफ यू ज्वाइन दिस 3 पॉइंट्स वी गेट ए लाइन, सिंगल लाइन, और उसका भी नामकरण आपको लिखना बहुत ज़रूरी। और एक बार आपने ये सब कर दिया ना, इतना तो क्लियर हो गया कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट, और उसका सोल्यूशन है 3 5। सो यहाँ पे देखो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, x इक्वल टू 3 हो गया और y इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, हमने अज्यूम क्या किया था, लेट एक पेंसिल का कॉस्ट भी x, ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ
cost of one pencil. One pencil is 3 rupees and that of one pen is 5 rupees. 5 rupees ho gaye, theek hai? Cost of ek pencil aur ek pen ka cost apne ko mil gaya. So ye tha graphically isko solve karne ka tarika, theek hai? So I hope aapko ye sub question number 2 jo humne kiya samajh mein aaya hoga. कोई भी डाउट होगा तो मुझे कम्युनिकेट करिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का. मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. टिल देन बाय बाय.